ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मेडिटेशन की एक अच्छी टेक्निक जो मैं खुद इस्तेमाल करके मतलब उसका बेनिफिट ले चुका हूँ, तो वो बताऊँगा आज। तो इसमें इसको कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो ये क्या होता है? ये होता है आप जैसे मेडिटेशन के पोस्चर है उसमें आ जाइए और मन ही मन सोचिए कि आपको पसंद है कि समुंदर में आप बीच में घूमने गया है पहले, तो वो कोई पसंदीदा जगह आपका है, तो उसमें आप सोचिए मन ही मन कि आप उस जगह में पहुंच गए हैं, आसपास कोई शोर शराबा नहीं है, लोग नहीं है, बिल्कुल शांत सी वातावरण है, और आपको पैर को वो जो लहरें है समुंदर के वो छू कर जा रहे हैं, आपको फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पैर गीला हो गया है और वो जो रेत में आप टहल रहे हैं तो वो रेत गीली गीली है, नरम सी है, इसका आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी फील हो रहा है। और पता है आपको कि आप सब कुछ छोड़ के जब घूमने जाते हैं बीचों में, तो आपको पूरे दिन का काम का जो स्ट्रेस रहता है घर में, तो ये वहाँ पे नहीं रहता, तो एक अच्छा आप मिजाज में रहते हैं, अच्छा मूड में रहते हैं। और आप सोचिए कि एक हवा आ रहा है समुंदर की, ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो आपको बालों को छू कर जा रहा है और आपको बहुत अच्छी फील हो रहा है। तो इस फीलिंग्स के साथ वहाँ पर आप अगर रह रहे हैं तो कैसा फीलिंग हो रहा होगा ये सोचिए मन ही मन, डीपली सोचिए कि हवा आ रहा है, पंछियों की ची ची, पंछियों की मतलब आवाज़ आपको आ रहे है, पत्तों की सरसराहट आ रहा है, हवा की आवाज़ आ रही है, लहरें की आवाज़ आ रहा है, समुंदर में दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम शांत जगह है, तो आप बहुत मज़े ले रहे हैं इस जगह का, आप मतलब पूरा एनर्जी भर रहे हैं अंदर, वो सारी परेशानी सारे टेंशन वो सब कहाँ पे चला गया है पता नहीं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है कि आपको वज़न कम हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। ये मैंने जितना कहा इतना ही आसान है, अब करके देखिए और कमेंट्स में बताइए अगर कोई डाउट है और जानना चाहते हैं। और मेरा चैनल में ये सब बेनिफिट्स वगैरह ये कैसे करना है मैं तो बताते रहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर आप तन मन सब से अगर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपका ये जो ग्रहों की दशा है उससे जूझने में और ये बढ़ती हुई स्ट्रेस की लाइफ को मैनेज करने में भी आपको आसानी होगी, ये तो आपको पता ही है। तो ये आप काम शुरू कर दीजिए, इसको एंजॉय कीजिए जैसे मैंने कहा। आप अगर समुंदर अच्छा नहीं लगता, आप पहाड़ी में कहाँ पर जा रहे हैं, लद्दाख में आप कोई टूर कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी बहुत बेहतरीन नज़ारिया देख रहे हैं तो मन खुश हो रहा है, ये भी आप सोच सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जो आपको मन की आनंद दे सके। और एक चीज़, आप अगर ये आनंददायक चीज़ों को सोचेंगे, जैसे कि छोटे बच्चों के गोद में लेकर आप खेल रहे हैं, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और जब बचपन में आप दोस्तों के साथ खेलते थे, माँ बाप की लाड प्यार में गुजरते थे, वो पल को याद कीजिए, वो भी एक तरह की मेडिटेशन होता है। उससे क्या होता है, आपको सेरोटोनिन नाम की एक हार्मोन सिक्रेट करता है आपका पेट से, मतलब 90% आपको पेट से सीक्रेट होता है गुड बैक्टीरिया के द्वारा, और दिमाग से 10%। तो इसको अगर आप करते हैं कंटिन्यूअस 10-15 मिनट 20 मिनट, तो नेचुरली सेरोटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन नाम की हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको नींद आने की सबसे बड़ी हार्मोन कहलाता है। इससे आपको नेचुरली नींद आती है, और जो नींद आएगी वो बहुत सुखद होगी और बीच में टूटेगा भी नहीं। ठीक है, ये कीजिए, और इसके कोई अगर डाउट्स है, प्रॉब्लम्स आता है इसको करने में, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय।